आज हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। जानेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे होती है और इसका आविष्कार कब और किसने किया था। तो चलिए जानते हैं। प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गई थी, जब घायल सैनिकों को ठीक करने के लिए हेराल्ड गिलीज ने इस सर्जरी की शुरुआत की थी। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार करके उन्होंने मेडिकल साइंस में अपना एक रिकॉर्ड बना लिया था। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए किसी पार्ट के टिश्यू को दूसरे पार्ट में जोड़ा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी इस रूप ने उन लोगों की बहुत मदद की थी जो जिनका किसी एक्सीडेंट में कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया हो या आग लगकर वह जल गए हों। चीन और साउथ कोरिया जैसी कंट्री प्लास्टिक सर्जरी में बहुत ही एडवांस है, लेकिन भारत भी अब इनसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए 18 साल से अधिक उम्र होना जरूरी होता है। प्लास्टिक सर्जरी से किसी बॉडी के डैमेज पार्ट को सही करने के लिए जांघों के टिश्यू को निकालकर उस डैमेज पार्ट पर लगाया जाता है। इसे स्किन ग्राफिक कहते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसी ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिफरेंट जानकारी को सब्सक्राइब करें।